अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी डिस्कस आवर पोइम नंबर 7, टाइम्स फ्रॉम एक्लेसियस्टीज। टुडे वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोइम। एज यू नो, वी डिस्कस आवर पोइम, वी ट्रांसलेट इट, वी एक्सप्लेन इट्स स्टैंजास। नाउ टुडे इट्स आवर लास्ट लेक्चर अबाउट द पोइम एंड इट इज आवर क्वेश्चन आंसर्स लेक्चर। Let's start our lecture. Question number 1. From where has the poem Time been taken? कि जो नज़्म है Time, ये कहाँ से ली गई है? It has been taken from the book of Bible known as Ecclesiastes. ये आपको पता है, जब हमने poem शुरू किया हर lecture में मैंने आपको बताया है कि ये Bible का एक chapter है Ecclesiastes, ये उसमें से ली गई है। ठीक है, ये उसका एक पोर्शन था एक्लेसियस्टीज, तो उसमें से उसकी कोई लाइंस हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं टाइम के टाइटल से। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्लेसियस्टीज? एक्लेसियस्टीज क्या है? इट इज़ द बुक ऑफ द बाइबल नोन एज एक्लेसियस्टीज। बाइबल का एक चैप्टर है जो एक्लेसियस्टीज के नाम से जाना जाता है। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन, और इसको मंसूब किया जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। It consists largely on reflection on the vanity of human life. ये जो है चैप्टर जो है इंसानी गुरूर तकबर से मुतल्लिक गौर खौस पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इज़ देयर अ फिक्स टाइम फॉर एवरी थिंग टू डू? क्या हर काम को करने का कोई ख़ास वक्त होता है? येस, हाँ जी, अंडर द हेवन देयर इज़ अ फिक्स टाइम फॉर एवरी थिंग टू डू। हर काम को करने का एक मुकर्रर और ख़ास वक्त जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वट इज़ द थीम ऑफ द पोइम? ठीक है, थीम उसका वही है, हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। दो तीन तरह से मैंने आपको इसको बताया है पिछले लेक्चर्स में, ये आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगा। द पोइट सेज दैट देयर इज़ अ सूटेबल टाइम टू डू एवरी थिंग, हर चीज़ को करने का एक ख़ास वक्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट एंड टाइम टू हारवेस्ट, फसलें बोने का और कास्ट करने का भी एक टाइम है। द पोइम टीचिस अस दैट वी शुड डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। ये नज़्म हमें बताती है कि हमें हर काम जो है अपने मुनासिब वक्त पर करना चाहिए। बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें यह भी याद रखना चाहिए, दैट एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय गॉड एंड नॉट बाय मैन, कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइड की गई है, ना कि इंसान की तरफ से। मतलब ये कि जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है वही होगा, ना कि वो होगा कि जो इंसान चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डू द टाइटल ऑफ द पोएम मीन्स? इस नज़्म का टाइटल का क्या मतलब है? द टाइटल ऑफ द पोएम टाइम्स, जो इसका टाइटल है टाइम्स, टाइम आपको पहले बताया था वक्त की जमा है औकात, ठीक है, उससे लिया गया है। इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ टाइम, ये हमें वक्त की जो है वैल्यू बताता है। इट टीचिस दैट वी शुड डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, ये हमें बताता है कि हमें हर काम जो है अपने मुकम्मल या प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई इज़ टाइम इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वर्क? काम किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए क्यों ज़रूरी है? द पोएट सेज दैट, शायर कहता है, टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वक्त बहुत अहम है। वी शुड डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर मोमेंट, हमें हर वक्त को हर काम को उसके मुनासिब लम्हे पर करना चाहिए। अदरवाइज आर एफर्ट्स विल गो वेस्ट, हमारी जो कोशिशें हैं वो राय गां जाएंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स आज के। यहाँ पे हमारा पोइम नंबर 7 का लास्ट लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।